अमरीशी गोसरन हरि देते हुए मैत्री के समय से ही मैं अमरीश जी के साथ से जुड़ा हुआ और अभी तक साथ में हम लोग रहने का अवसर मिला। तो ये जो साथ छूटा है और अमरीश जी ने अपने विचारों के अनुसार जो एक नेटवर्क पे बनाया है, तो सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति शायद हम यही दे पाएंगे कि उन्होंने जो हमें सिखाया है समुदाय के साथ, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, उसको उनके विचारों के साथ हम अगर आगे ले जा पाते हैं तो शायद अमृत जी के लिए, हमारे लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। क्योंकि कोई चाहता है कि मैंने जो निर्माण किया है वह निर्माण ठोस है कि नहीं, हमने जिन विचारों पर साथियों को बार बार रेतने का प्रयास किया है। अमरीश जी से कभी बात होती थी, मैं शुरू शुरू में जब नेत्रे से जुड़ा था तो एक बात आती थी कि आप मीटिंग में बोलते नहीं हैं राजीव जी, तो मुझे लगा कि शायद मीटिंग में बोलना भी जरूरी होता है। एक साल के बाद हमको जानकारी हुई और बाद में स्थिति यहाँ से पहुँच गई कि अब यह कहना पड़ता था लोगों को कि भाई अब समय की कमी है, अब दूसरों को भी अवसर दिया। मैं कल से यहाँ पर हूँ, कभी कभी पीछे की एक दुकान भी है, वहां भी अमरीश यहाँ मीटिंग करते करते किसी साथी को लेते थे, कहते थे अरे आइए चलते हैं घूम के आते हैं, तो उनके अंदर जो ये ऊर्जा दिखती थी वो कभी थके हारे की तरह नहीं दिखते थे, ये सबसे बड़ी खासियत थी। और आज उनको याद करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क है उनके परिवार के हम सभी सदस्य हैं, उनको हम विचारों को और जो दलित समाज के लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, यह शिक्षा का संघर्ष ही दरअसल इस समाज का मूल संघर्ष बचा हुआ है। अगर इसको हम लोग मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हम लोग शायद आगे चलकर उन विचारों को अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसी सच्ची श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।